god! This is the perfect dress for you. She is looking just like a doll. So are you excited? I can't wait. 3, 2, 1. Oh my god! This is so nice. अक्सर ऐसा होता है कि अपने बच्चों के ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए मॉम कर देती है अपने ड्रीम सैक्रिफाइस। दिस मदर्स डे हर जिंदगी मॉम मेकओवर ला रहा है एक ऐसी मॉम की कहानी जिनकी डॉटर कर रही है उनके ड्रीम्स फुलफिल। सो लेट्स मीट आर सुपर मॉम रितिका सिवानी एंड हर इन्फ्लुएंसर डॉटर शिरिन सिवानी। Mother means the world to me. Like, she is everything, everything. Matlab, like all mothers, all Indian mothers, we do fight. She do annoys me. I do irritate her. But matlab, I know that if I have anybody in the purest form towards me, that's my mother. अपने फादर की मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, मेरे पीछे अभी दो लड़कियां उनकी और थी, तो मुझे ये भी था कि मैं अगर उनको डिस्क्लोज कर दूंगी या तो परेशान हो जाएंगे कि भाई उनकी और भी बेटियां हैं, तो मैंने सोचा अब जो भी है मेरी लाइफ ये है, मैंने इनका ध्यान रखना है। मैं खुद सोच के हैरान हो जाती हूँ कि हम अभी हम लोग अभी भी इतने, हमारे अंदर इतना बचपना है, हम लोग इतनी चीजें, मतलब मम्मी 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 मम्मी, शी गॉट मैरिड मैं यंग लेडी थी उस समय, 23 इयर्स की थी, बेबी गोद में आ गया था और हस्बैंड इतने बीमार थे कि कुछ पता नहीं था उनका कि ये डिजीज क्योरेबल भी नहीं है, ये भी डिक्लेयर हो गया था। तो मिले तो एक तरह से मेरा फ्यूचर मेरे को ब्लाइंड नजर आ रहा था ना कि भाई क्या होगा, छोटा बेबी। My dad got little unwell. We were living in a joint family. So the way she has taken care of me and my father, we are nothing without her. When I wrote a caption for my father on his birthday, "Happy birthday, my mom's younger child," and that's the truth. Unki disease koi word mein 3 or 4% hai wo. काफी time तक treatment हुआ, फिर doctor ने operate भी किया, पर वो operation भी कामयाब नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये कहा, ये medicine है, steroid अगर आप जानते हो। तो बस ये जितना खाना भी इनको यही है, इसी से चलेंगे, पर डे बाय डे इनके ऑर्गन्स उसकी वजह से डैमेज होते गए। जैसे मुश्किलें बढ़ी पर रितिका ने हार नहीं मानी और जिम्मेदारियों की कमान संभाल ली। बचपन से ही मैंने एक पापा और मम्मी दोनों का रोल निभाया है, फ्रॉम हर एडमिशन और इन द स्कूल। हाँ, उस समय वो जरूर हमारे साथ थे, ठीक थे, हमारे साथ एडमिशन कराया था उन्होंने स्कूल में, पर स्कूल के कुछ टाइम बाद वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं जा पाते थे, तो उसको घर पे संभाला, वहाँ ले जाना, कहीं जैसे एक्टिविटीज सिखाई मैंने उसको, डांस, स्केटिंग, स्विमिंग। स्विमिंग में उसने बहुत सारे मेडल्स लिए हैं। रितिका एक प्रोफेशनल टीचर बनने का अपना सपना तो नहीं पूरा कर पाई, पर अपनी बेटी के सपनों के लिए शी नेवर शाइड अवे फ्रॉम एनी सैक्रिफाइसेस। आई थिंक द बिगेस्ट सैक्रिफाइस दैट शी मेड वाज दैट शी एडजस्टेड टू सो मेनी अनरीजनेबल सिचुएशंस एंड कंडीशंस ओनली फॉर द फैक्ट दैट आई हैव अ डॉटर।
एंड आई हैव टू गिव हर एवरीथिंग। ये इस माँ की मेहनत का ही रिजल्ट है कि शिरीन आज एक सक्सेसफुल एक्टर होने के साथ साथ एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं। चुड़ैलों के भगवान को पड़ता है बॉस बुलाना। हेलो मायसेल्फ टिंकी की मम्मी। मेरे एफर्ट्स को उसने कामयाब करके दिखाया मुझे। वो सोचेंगे कि मैंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाई किया, पर मुझे इस सैक्रिफाई में कोई गिल्ट नहीं है। आई एम सो हैप्पी। आज मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपनी बेटी को इस लायक बना दिया कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं उसके बिहाफ पर। और मेरे हस्बैंड आज भी फिजिकली, वो जैसे भी रह रहे हैं पर फिजिकली मेरे साथ प्रेजेंट, इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर मी। शिरीन ने अपने करियर के लिए जब मुंबई शिफ्ट करने का फैसला किया तब उनकी माँ ने उनका साथ दिया। जो उसने सोचा तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया। मैं खुद गई उसकी टिकट अरेंज करने के लिए। मतलब मेरा ये था, अगर ये तो बॉम्बे है, अगर मेरी बेटी को फॉरेन भी जाना पड़ता तो मैं कुछ भी करती उसके लिए, कि मैं उसकी कामयाबी में, उसकी आगे के फ्यूचर में कभी वो नहीं रोकती, अपने इमोशंस को नहीं लाती। इस इमोशन से भरी जर्नी में हर जिंदगी की टीम ने आज माँ बेटी दोनों के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया है, रितिका का कंप्लीट मेकओवर। आपके लिए चैलेंजिंग थोड़ा सा तो होगा, क्योंकि जैसे अगर मेरी मम्मी बिल्कुल ही वैसी होती कि मोस्टली साड़ियाँ सलवार कमीज पहनती हैं, मेकअप नहीं करती, ज़्यादा ड्रेसअप नहीं होती, तो एक होता क्योंकि मेकओवर, सो नाउ समबडी हु इज ऑलरेडी लिटिल अपडेटेड एंड हैज अ गुड फैशन सेंस एंड इज लाइक, सो आई एम एक्साइटेड। वाइड रेंज ऑफ डिजाइन्स और कस्टमाइजेशन की सुविधा, रूपवाटिका इज जस्ट द प्लेस यू वांट टू बी इफ यू वांट अ लुक मेकओवर। रूपवाटिका सिर्फ आपको कपड़े नहीं बेचता, जो भी लोग, जो भी कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको अपना एक्सपीरियंस देते हैं। उनके कलर कॉम्प्लेक्शन को देख करके, उनके बॉडी टाइप को देख करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हमारे एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स हैं जो उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। जो हमारी एक टैग लाइन है, लग्जरी विद लव एंड हैप्पीनेस, तो वो हम लोगों को देते हैं यहाँ पर। जैसा कि हर जिंदगी से आज उन्होंने हमें बताया कि थर्ड मॉम के लिए कुछ स्पेशल करना है, तो जैसे कि मैं उनकी पर्सनैलिटी को देख रहा हूँ और जैसा मेरी उनसे बात हुई है कि वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न्स पहनती हैं, और उनकी पर्सनैलिटी को देख करके जो मेरे माइंड में ड्रेसेस उनके लिए आ रही हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, तो उनके ऊपर हम कुछ वेस्टर्न से शुरू करेंगे और इंडियन एथनिक तक उनको हम ट्राई करवाएंगे। हाय दिव्या, मीट आवर सुपर मॉम रितिका मैम। हाय मैम। सो आज हम इन्हें देने वाले हैं एक कंप्लीट मेकओवर, जिसके लिए आई नीड योर एक्सपर्टीज। श्योर श्योर, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। सो मैम, आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या पहनना प्रेफर करते हो ऑन रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस पर जैसा मैंने पहना है वही जीन्स टी शर्ट, वैसे मैं सूट, एनी टाइप ऑफ ड्रेसेस आई एम लाइक टू वेयर। ऑलराइट, और कलर्स क्या पसंद करते हो? कलर्स स्पेशली ब्राइट, बट वाइट ऑफ वाइट ब्लैक इज माई फेवरेट एंड रेड सूट्स मी अ लॉट। तो हम पहले तो आज आपके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं कलर्स और लुक्स को लेकर के, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। आई एम टू, सो एम आई। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लुक मैंने ये चूज़ करी है, वन पीस ड्रेप साड़ी। इसकी स्पेशल पार्ट ये है, इट हैज़ अ की होल ऑन इट्स वेस्ट एंड इसमें वेस्ट बेल्ट अटैच्ड है विद टेसल्स। It has a ruffle dupatta, palla. Gonna look very beautiful on her. Why not? It's your choice, of course. Okay, so ab try kar lete hain. आए हो तो कर ही लेते हैं एक्सपेरिमेंट। As you wish. So let's change into the second outfit. Mm-hmm.
थोड़ा कॉन्फिडेंट मिसिंग था. I have a few more options to show. 10 steps ahead. Dresses तो वैसे भी हर लेडी का वीक पॉइंट होगा. जितने पहना होगा पहन लूंगी. आपने कहा था कि आपको स्पेगेटी स्ट्रैप्स में थोड़ा यू नो कॉन्फिडेंस कम होता है. मैंने कभी पहने नहीं है तो इसलिए तो ये सब नया लुक मुझे भी अच्छा लग रहा है. आई फील सो गुड कि अच्छा ये मुझ पर भी तो अच्छे लग सकते हैं. रूप वाटिका ने मेरा रूप निखार दिया. सो नेक्स्ट आउटफिट आपने क्या सोचा है? आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम डेड श्योर आपको नेक्स्ट आउटफिट भी बहुत पसंद आएगा. जो अब नेक्स्ट आउटफिट है इट हैज़ कुंदन एंड पर्ल का काम इसके ऊपर और कलर डैम ब्यूटीफुल. थोड़ा डिफरेंट है, नया है कलर तो उनके ऊपर कलर बहुत सूट करेगा. ओके आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. सो लेट्स सी. माई गॉड, मतलब मैं क्या बोलूँ दिव्या, आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस. इतना ब्यूटिफुल कलर चूज करा है ना आपने, आई लव इट. मैम आपको कैसा लग रहा है इस आउटफिट? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर मैं खुद पर्सनली अगर बाय करने जाती ना विदाउट वेयरिंग बिफोर वेयरिंग इट तो मैं ये कलर ना लेती क्योंकि दिस इज नॉट इन माई चॉइस. पर मुझे नहीं पता था कि ये कलर भी इतना सुंदर हो सकता है. दिस क्रेडिट गोज टू रूप वाटिका क्योंकि वो उन्होंने ये ब्रांड का ऐसा हुआ है कि हम लोग कलर्स इतने डिफरेंट चूज करते हैं कि वो मार्केट से हटके आपको चीज मिलेगी. हम भी मतलब काफी सरप्राइज है. आई लव द वर्क. मेरा खुद पहनने का मन कर रहा है. एक 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 स्टेप के बाद आपने कम्प्लीटली इन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप? यस, व्हाई नॉट. सो लेट्स गो दिव्या. ओके लेट्स डू इट. रितिका'स फाइनल अटायर इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हर मेकअप मेकओवर. ना के ले आयो.
but stunning. So nice. She's looking so pretty. This is all because of my Raja. सर शिरीन, हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा ये मेकओवर? आपको मेरी स्माइल से, आपको मेरे को देख के नहीं पता चल रहा कि मुझे कैसा लगा है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तक कोई केक है और उसके ऊपर मेरी मम्मी को खड़ा कर दिया गया है एंड शी इज लुकिंग जस्ट लाइक अ डॉल एंड आई कैन जस्ट थैंक लाइक द इंटायर टीम ऑफ हर जिंदगी रूप वाटिका फॉर लाइक दिस अमेजिंग आउटफिट एंड आई can just say like thank you for celebrating my mother's story, thank you for getting the smile on her face and thank you for making her look more prettier because as I say that she's वैसे भी very pretty. मेरी शादी पे मेरी मम्मी इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी आज लग रही है. और मैम आपको कैसा फील हो रहा है? स्पीचलेस, यही वर्ड है मेरे पास, और कुछ वर्ड्स नहीं है. बाकी यही है कि मैं कहूँगी हर जिंदगी इस तरह, हर किसी की जिंदगी को आप इतना ब्यूटीफुल, इतना हैप्पी बनाना जैसे आपने मेरा किया है. हर जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, खूबसूरत.